जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। मधुबनी जिला के जयनगर के रजिस्ट्री ऑफिस के समीप से बड़ी खबर आ रही है, जहां बाइक और पिकअप में टक्कर, जिसमें गंभीर रूप से घायल पति और पत्नी, प्राथमिक उपचार के बाद डीएमसीएच रेफर। मधुबनी जिला के जयनगर के एनएच मेन रोड रजिस्ट्री ऑफिस के समीप मोटरसाइकिल और पिकअप वाहन के आमने सामने टक्कर में बाइक सवार चार लोग जख्मी हो गए, जिसमें दो की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। मोटरसाइकिल और पिकअप के टक्कर होते आसपास के लोग दौड़े और घायलों को तुरंत रजिस्ट्री ऑफिस के समीप डॉक्टर रवीश बंका क्लिनिक में भर्ती कराया, जहां चिकित्सक डॉक्टर रवीश बंका और डॉक्टर मुस्कान बंका के द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति गंभीर बने रहने के कारण घायल युवक मालिक यादव एवं पिंकी यादव को बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच दरभंगा भेज दिया गया है। घायल लोगों की पहचान कलवाई थाना क्षेत्र के बरदेपुर पिरसोलिया गाँव निवासी 35 वर्षीय मालिक यादव, 28 वर्षीय उनकी पत्नी पिंकी यादव, उनकी 6 वर्षीय पुत्री कंचन यादव एवं उनके 4 वर्षीय पुत्र आदर्श कुमार बताया जा रहा है। बताया जाता है कि बाइक सवार लोग जयनगर से अपने घर वापस जा रहे थे, इसी बीच एनएच मेन रोड रजिस्ट्री ऑफिस के समीप दुल्ली पट्टी की तरफ से तेज रफ्तार आ रही पिकअप वाहन ने सामने से धक्का मार दिया, जिससे बाइक पर सवार युवक मालिक यादव, उनके पत्नी, बेटा और बेटी जख्मी हो गए। घटना की जानकारी जयनगर थाना पुलिस को दी गई। घटना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। वही पिकअप वाहन के ड्राइवर घटनास्थल पर पिकअप छोड़कर फरार हो गए हैं। इस बाबत डॉक्टर रवीश वंका ने बताया कि ग्रामीणों के द्वारा घायलों को उपचार करने के लिए मेरे क्लिनिक पर लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद स्थिति गंभीर रहने के कारण घायल युवक मालिक यादव एवं उनकी पत्नी पिंकी यादव को बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच दरभंगा रेफर कर दिया गया है, तथा उनके पुत्र एवं पुत्री का स्थिति गंभीर नहीं होने के कारण मेरे क्लिनिक में इलाज चल रहा है। देखिए इस खास रिपोर्ट को। अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अरे यादव जी, आज आप यहाँ कैसे? अरे कुछ नहीं पूर्वे जी, मैं दरअसल बेटे को पॉलिटेक्निक कराने की सोच रहा हूँ, लेकिन यार इतनी बड़ी इंडिया है, कौन सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी सही रहेगा ये समझ ही नहीं आ रहा है। इसी का सलूशन लेने आपके पास आया हूँ। यादव जी, इसका सलूशन मेरे पास नहीं बल्कि वाइब्रेंट के पास है। ये आपको उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान के सभी टॉप कॉलेज में एडमिशन दिला देंगे। और तो और मैनेजमेंट कोर्स, मेडिकल, पैरा मेडिकल कोर्स, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, ऑल कोर्स, कृषि से संबंधित कोर्स, लॉ और दूसरे रोजगार मुखी कोर्स करवाते हैं, क्योंकि ये एक एजुकेशनल कंसल्टेंसी सर्विस देते हैं। मैंने भी अपने बेटे का एडमिशन इन्हीं के द्वारा करवाया था, इसीलिए आप भी ज्यादा ना सोचिए और इनसे ही संपर्क कीजिए। ये लोग स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा अधिकतम 4 लाख रुपए पढ़ने के लिए सहायता दिलवाते हैं, इसकी भी पूरी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। अरे वाह, क्या बात है, पर इनसे संपर्क कैसे हो ये तो बताओ। 9955102010 पर कॉल करो या स्क्रीन पर दिए एड्रेस पर विजिट करो। वाइब्रेंट इंस्टीट्यूशनल क्रिएटिव्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,
कॉर्पोरेट ऑफिस, वीआईपी रोड, अबव यूनियन बैंक, लहेरिया सराय दरभंगा। इनकी दूसरी ब्रांच फ्रंट ऑफ मधुबनी रेलवे स्टेशन, टाउन क्लब रोड मधुबनी पर है। मोबाइल नंबर 9955102010 या 7903826743 पर कॉल करो।